जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास फाइव मैथ्स हेड चैप्टर नंबर 9 और ये परसेंटेजेस पर है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, छोटा छोटा एक्सरसाइजेस है और इस एक्सरसाइज की ये नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंट इज शेडेड एंड व्हाट परसेंट इज अनशेडेड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए तीन ग्रिड्स है, स्क्वायर ग्रिड्स है और हर एक स्क्वायर ग्रिड में 100 स्क्वायर्स हैं, 100 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो कितने परसेंट शेडेड की गई है, ठीक है, यानी कि कितनी, यहाँ तो 100 है ना, तो 100 में से कितनी स्क्वायर्स शेडेड है, कलरिंग है, इसको देखना। एक्चुअली यहाँ क्या हो रही है, देखिए जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो परसेंट मतलब क्या है, परसेंट ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है 100, यानी कि 100 भाग की एक भाग। तो अगर आपको कहा जाए कि 30% भाई, 30%, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 30 है ना, ये 100 में से 30 है, 100 में से 30 है, तो इसको हम 30%, ये जो 30/100 है, 100 में 30 है, तो इसका मतलब 30%, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ये तो इन वर्ड्स है और ये इन फ्रैक्शन है और ये जो रिप्रेजेंटेशन की स्टाइल है ना, ये इन परसेंट साइन है। तो परसेंटेज साइन ऐसे, तो 30% मतलब 100 में 30 है या फिर 30% इन वर्ड्स ऐसी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि भाई परसेंट क्या है ये आपने समझ गया। अब देखिए यहाँ कितने हैं, देखिए कितनी कलर की गई, तो 1, 2, 3, 4, 5 है। अच्छा इधर गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5×5=25 है, तो टोटल यहाँ 100 है, तो 100 में से 25 शेडेड की गई है। तो देखिए शेडेड क्या है, 25 है और अनशेडेड यानी कि शेड नहीं की गई है, ब्लैंक है क्या है, तो 100 में से 25 माइनस करिए आपको 75 मिलेगी, तो अनशेडेड कितने हैं, 75 है। 2 नंबर में देखिए शेडेड कितने हैं, तो इधर गिनती है, इधर तो 10 होंगे ना, देखिए गिनती करके देखिए पूरा यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है 10 है और यहाँ भी 10 है, तो इन 10 में से 1, 2, 3, 4, 5 तक, तो 5×10=50, तो 50 शेडेड की गई है और अनशेडेड कितने हैं, और भी 50 है ना, टोटल 100 है, 100 में से 50 शेडेड है, तो अनशेडेड और भी 50 है। और अच्छा इसमें देखिए टोटल तो 100 है, तो टोटल 100 में से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, टोटल 10 शेडेड की गई है, 10 स्क्वायर्स, तो मतलब क्या है, 90 अनशेडेड है, तो 10 और 90 है, तो आप क्या समझ रही है भाई, 75 अनशेडेड है और 25 शेडेड है इस फिगर के हिसाब से, तो शेडेड कितने परसेंट है, 25%, टोटल तो 100 है और अनशेडेड कितने परसेंट है, 75%। 2 नंबर में देखिए शेडेड 50%, अनशेडेड भी 50%। 3 नंबर में शेडेड ओनली 10% और ब्लैंक यानी कि अनशेडेड 90% है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी नंबर देखिए, इन दिस 10×10 ग्रिड्स, यहाँ भी 100 स्क्वायर्स है, 10×10 यानी कि 100, शेड दी फॉलोइंग, तो यहाँ देखिए परसेंटेज है ऊपर, तो इस परसेंट के हिसाब से शेड करना, तो यहाँ 70% शेड करना, तो एक काम करना, देखिए इधर भी 10 है और इधर से भी 10 है, तो किसी भी साइड से आप 10 ले लीजिए और ऐसे 7 कॉलम या फिर 7 रोज ले लीजिए, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ से यहाँ तक शेड कर देना, ठीक है, ऐसे ही शेड कर देना, कलरिंग पेंसिल से आप करिएगा वो क्लियरली दिखेगा, ठीक है। अच्छा आप 33% है यहाँ, तो 33 पहले गिनिए, तो इतने तक तो 30 है, 1, 2, 3, देखिए ये तक 30 है और भी 3, 33 है ना, तो 1, 2, 3 है, तो इन तीनों को भी ले लेना, ठीक है, इन तीनों को भी ले लेना, तो अब भाई 33% हुआ। अच्छा 92% 3 नंबर में देखिए, तो 92% कलर करना, शेड करना, तो मतलब अनशेडेड कितने रहेंगे, सिर्फ 8%, 100 - 92 8 है, तो यहाँ से 8 गिन लेना, तो देखिए 1, 2, तो इतने तक है, तो मतलब ये जो है ना, इस टुकड़ा को कलर मत करना और बाकी सब कलर कर देना। तो ये बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, इजी है,
एक्सरसाइज समाप्त है। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना है, और अगर पसंद नहीं है कमेंट में बताना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना है, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।